यूपी उत्तराखंड की हर खबर पर यूपी गंगा की नजर है। इस बुलेटिन में आप देखेंगे सुबह की हर हलचल और यूपी उत्तराखंड की सियासत में क्या चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं गंगा सफर। गंगा सवेरा में आपको दिखाएंगे यूपी उत्तराखंड की हर बड़ी खबर, लेकिन इस बीच पाकिस्तान से बड़ा अपडेट मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में गिरी इमरान सरकार, आधी रात को अविश्वास प्रस्ताव हारे इमरान खान और इमरान खान के खिलाफ पड़े हैं 174 वोट। शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आधी रात को इमरान खान की सरकार गिर गई है, शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के अगले पीएम। अब ये तस्वीर साफ हो गई है, पिछले कई दिनों से जो उठा पटक पाकिस्तान में चल रही थी उसका देखिए पटाक्षेप हो गया है। कल आधी रात को पाकिस्तान में देर रात इमरान सरकार गिरी, क्लीन बोल्ड हो गई इमरान खान आप कह सकते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी सरकार को बचा पाए, कामयाब हो इसमें। लेकिन देखिए कल देर रात हुआ ये कि इमरान सरकार गिर गई है और शहबाज शरीफ जो है वो अगले प्रधानमंत्री होंगे पाकिस्तान के। तो देर रात ये बड़ी खबर निकल करके आई। हालांकि एडी चोटी का जोर लगा दिया था इमरान खान ने अपनी सरकार को बचाने के लिए, लगातार वो बैठकों पर बैठकें भी ले रहे थे, कैबिनेट की बैठक भी उन्होंने कल बुलाई थी। उसके बाद देर रात ये खबर आई कि इमरान सरकार गिर गई है और फिर नए प्रधानमंत्री का नाम भी सामने आ गया, शहबाज शरीफ का नाम अगले पीएम के तौर पर लिया जा रहा है। आधी रात को अविश्वास प्रस्ताव हारे इमरान खान और बहुत बड़ा झटका लगा, क्लीन बोल्ड हो गए। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूपी में निजी स्कूलों और अभिभावकों से जुड़ी ये बड़ी खबर है, प्राइवेट स्कूलों को मिली फीस बढ़ाने की अनुमति, ये बहुत बड़ी खबर है। और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस बढ़ाने पर रोक जो लगी थी वो हटा ली है। महामारी एक्ट खत्म होने के चलते फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटा दी गई है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने जारी किए हैं आदेश और ऐसे में ये निजी स्कूलों के लिए बड़ी राहत है। हालांकि 2019-20 के शुल्क संरचना को आधार वर्ष लेते हुए फीस वृद्धि होगी। अगर किसी छात्र, संरक्षक, अभिभावक, अध्यापक एसोसिएशन को बढ़े शुल्क से समस्या तो जिला शुल्क नियामक समिति को कर सकेंगे शिकायत। देखिए ऑप्शन भी दिया गया है विकल्प के तौर पर, आपके पास शिकायत करने के लिए राहत होगी, छूट होगी। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने आदेश दिए, निजी स्कूल अब फीस बढ़ा सकते हैं क्योंकि कोरोना महामारी के बीच ये फैसला हुआ था कि कोई भी निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएंगे, किसी भी बच्चे या उसके परिवार पर दबाव नहीं डाला जाएगा। लेकिन अब प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति मिली। वहीं कोविड वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है, आज से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को बूस्टर डोज लग सकेगी। वैक्सीन लगवाने वालों को इस प्रिकॉशन डोज के लिए प्राइवेट सेंटर्स पर ₹375 देने होंगे। बिल्कुल, और आज से प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बूस्टर डोज मिल सकेगी और जिसके लिए एक डोज की कीमत ₹225 और ₹150 टीकाकरण केंद्र पर देने होंगे। और ये प्रिकॉशन डोज 18 साल से ज्यादा उम्र के उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी दूसरी डोज लेने के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि प्रिकॉशन डोज के लिए कोई नया रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पहले ही सभी लाभार्थी कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं और ऐसे में आपको जाना है, ₹375 देने हैं और बूस्टर डोज लगवानी है। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि जो आपने दो वैक्सीन पहले लगवाई है, बूस्टर डोज का अंतर 9 महीने का होना चाहिए। अगर 9 महीने पूरे हो चुके हैं दोनों वैक्सीन लेने के तो आप बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। दूसरी डोज लेने के 9 महीने के बाद लगाई जाएगी बूस्टर डोज, ₹375 आपको प्राइवेट सेंटर्स को देने होंगे। आज से सभी प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर यह सुविधा उपलब्ध होगी, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि पहले से अगर आपने दो डोजेस लगवाई हैं तो आप कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में आप जाएं और जो नियम है बूस्टर डोज के लिए उसे फॉलो करते हुए आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। बढ़ते आगे और रुक करते अगली खबर का, आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है।
यहां आज सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करने के बाद जनता दरबार लगाएंगे। और इसके अलावा भी गोरखपुर में सीएम योगी के कई कार्यक्रम हैं। जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री जंगल कौड़िया पीएससी से जन आरोग्य मेले का शुभारंभ करने वाले हैं और रामनवमी पर गोरखनाथ मंदिर में ही कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर 12 बजे श्रीराम जन्मोत्सव नवनिर्मित ओपन थिएटर गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में सम्मिलित होंगे और जिसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ वापस रवाना हो जाएंगे। तो रामनवमी का मौका और इस खास मौके पर जैसे हर बार करते हैं योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में होते हैं और यहां पर पहुंच करके गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं के पैर धोते हैं, उनको भोजन कराते हैं और आज भी वही प्रक्रिया होती हुई आप देख पाएंगे। आज उनके गोरखपुर दौरे का तीसरा और आखिरी दिन है। इस पर जो भी अपडेट मिलेगी वो आप तक लगातार हम पहुंचाएंगे। दरअसल सीएम योगी अभी गोरखपुर में हैं, जहां कल देर रात वासंतिक नवरात्र की महाअष्टमी तिथि पर उन्होंने गोरखनाथ मंदिर के शक्तिपीठ में विधि विधान से मां महागौरी की पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीठ की परंपरा के अनुसार हवन आरती के साथ मुख्यमंत्री ने अनुष्ठान किया। आज नवमी पर हवन होगा, साथ ही सीएम योगी देवी स्वरूपा कन्याओं का पांव पखारेंगे, उनका पूजन करेंगे, उन्हें भोजन कराएंगे। देखिए आज नौ दुर्गा को भोजन कराने का कार्यक्रम भी यहां गोरखपुर में होगा गोरखनाथ मंदिर में, क्योंकि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। मुख्यमंत्री नौ दिन का फास्ट रखते हैं, नौ दिन का व्रत करते हैं और फिर आज यानी कि नवमी के दिन रामनवमी के मौके पर मां दुर्गा के नौ स्वरूप के रूप में नौ कन्याओं को भोजन कराते हैं। आज नौ कन्याओं को भोजन कराने के साथ पांव पखारने और तमाम जो विधि विधान है मां की पूजा के लिए उसे पूरा करेंगे। और अब रुख करते हैं अगली खबर का। दोबारा सत्ता में आने के बाद सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में हैं। अब मंत्रियों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा गया है। दरअसल सरकार के सभी मंत्रियों को अपने विभागों की योजनाओं के बारे में सिलसिलेवार समझाने के लिए प्रेस वार्ता करनी होगी, जिसकी शुरुआत कल यानी कि 11 अप्रैल से हो जाएगी। और कल सबसे पहले दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह और जितिन प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने विभागों की योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी को करना होगा, सभी मंत्रियों को बताना होगा कि उनके विभाग में किस तरीके से काम हो रहा है, आगे के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या रणनीति है और जनता के हित में काम के लिए क्या खाका उन्होंने तैयार किया है, इन तमाम बातों की जानकारी देनी होगी। देखिए कल ही स्वतंत्र देव सिंह और जितिन प्रसाद भी प्रेस वार्ता करेंगे, दोनों डिप्टी सीएम प्रेस वार्ता करेंगे, जानकारी देंगे अपने विभाग के बारे में। उधर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का एक ही सियासी राह पर चलना अब मुश्किल लग रहा है। विधान परिषद चुनाव के मतदान के बाद शिवपाल यादव के एक ट्वीट ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। बिल्कुल, और आलम यह है कि अब अटकलें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं। शिवपाल ने एक पोस्ट ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, हैं तैयार हम। अब ये तैयारी किस बात को लेकर है ये फिलहाल राज की बात है, लेकिन सियासी जानकार इसे सपा से प्रसपा का नाता जल्द टूटने का संकेत बता रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर इस रिपोर्ट में समझिए। शिवपाल यादव ने ट्विटर के अपने प्रोफाइल पेज पर तीन शब्दों वाला पोस्टर क्या लगाया, ये साफ हो गया कि अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के रथ का पहिया किसी और दिशा में गतिशील होने वाला है। इशारा तो तभी मिलने लगा था जब सैफई में मौजूद शिवपाल मुलायम सिंह से मुलाकात के सवाल पर झुंझला उठे थे, संवाददाताओं से यहाँ तक कह दिया था कि आप ही जाकर मिल लो। और शाम होते होते शिवपाल ने नई तैयारी का ये पोस्टर वाला इशारा दे डाला। राजनीति शास्त्र की भाषा शब्दों की नहीं संकेतों की होती है और शिवपाल के तेवर से लेकर उनके पोस्टर के शब्द के तमाम इशारे एक ही संदेश दे रहे हैं कि वो आज जिस सियासी राह के हम सफर हैं उस पर चलकर अब उन्हें मंजिल तक पहुंचने का भरोसा नहीं रहा। महीने भर पहले शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव और चचेरे भाई रामगोपाल यादव के साथ एक ही सोफे पर बैठे दिखे थे। मौका सैफई में होली मिलन का था। ये तस्वीर परिवार में ऑल इज वेल जैसी थी, लेकिन अब वही सैफई है जहां एक दिन एक वक्त में
पूरा परिवार मौजूद रहा पर मिलने तक की सूरत नहीं बनी। इस पोस्टर के ट्विटर रिलीज के बाद अब अटकलों की चिड़िया आसमान में सबसे ऊंचाई पर है। अखिलेश की बुलाई बैठक से दूरी बनाने, विधानसभा की सदस्यता की अकेले शपथ लेने, सीएम योगी से घर जाकर मिलने और पीएम मोदी सीएम योगी समेत भाजपा के दूसरे नेताओं को ट्विटर पर फॉलो करने के बाद ये तो करीब करीब साफ हो ही चुका था कि शिवपाल यादव का सियासी सस्पेंस खत्म होने में अब ज्यादा देर नहीं। अब ये पोस्टर उसके क्लाइमेक्स जैसा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात उस खबर की जिस पर सियासी उबाल आ गया है। बात हो रही है सपा सांसद के उस बयान की जिस पर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल विवादित बयानों के लिए मशहूर शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर से विवादित बयानों की वजह से चर्चा में हैं और क्या उन्होंने ऐसा कह दिया है इस रिपोर्ट में देखिए। बर्क के बयान पर फिर सियासी उबार। मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। सपा नेताओं की सियासी कमान किसके साथ मुसलमान। विवादित बयानों के लिए मशहूर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर चर्चाओं में हैं। हालांकि इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया जो कई बार पहले भी कुछ नेताओं की तरफ से आ चुका है। ये बयान है मुस्लिमों को लेकर। बर्क ने कहा भाजपा सरकार में मुस्लिमों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। और बैठे बीजेपी के हाथ में, योगी के हाथ में। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योगी। तो इसका मतलब योगी जी यूपी में काम नहीं कर रहे वो? नहीं, यूपी में काम जो है वो अपना कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। सीएम योगी का नाम लेकर और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की बात कहते हुए बर्क ने एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि भाजपा 2014 से ही सबका साथ सबका विकास की बात करती रही है और 2019 के बाद से इस लाइन में सबका विश्वास भी जोड़ा गया। मतलब भाजपा ये मानकर चल रही कि मुसलमान भी बड़ी संख्या में उसे वोट करते हैं। सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो ये मूल मंत्र है, राष्ट्रवाद विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। सिर्फ बर्क ही नहीं, सपा का हर मुस्लिम नेता यही सोच रखता है। बर्क और बाकियों में फर्क बस इतना है कि वो लगातार ऐसे बयानों से तूफान खड़ा करते हैं। अब्दुल्ला आजम ने भी ऐसा बयान दिया जो बर्क के बयान से मिल खाता है। अभी वक्त है चीज़ों का, जो है चीज़ें आपके सामने हैं। अभी तो सरकार ने ठीक से काम शुरू भी नहीं किया है। जैसे हालात चल रहे थे वही आगे भी चल रहे हैं, वही चल रहे हैं, तो बदलाव थोड़ी हुआ है। योगी सरकार को दोबारा सत्ता में आए एक महीना भी पूरा नहीं हुआ और इस एक महीने में ही सरकार ने कई ऐसे काम कर दिए जो देश भर में चर्चित हो गए। उसमें एक काम है माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने का। अब्दुल्ला आजम कहते हैं कि जो चलन सरकार ने शुरू किया वो ठीक नहीं और इसके नतीजे भी जल्द आने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, जो भी चीज़ें सरकार शुरू कर रही है या की है, मेरे ख्याल से एक अच्छा चलन नहीं है। अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए और अगर नहीं ले रहा है कोई संज्ञान या इसके अच्छे या बुरे नतीजे फैसले सामने आएंगे आने वाले कल, एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। योगी सरकार 2.0 के ज्यादा दिन नहीं बीते और सपा नेताओं ने ऐसे बयान देकर फिर माहौल गर्म करना शुरू कर दिया है, क्योंकि निगाहें अब 2024 पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात एक और अहम खबर की कर लेते हैं। नोएडा के चर्चित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट को जमींदोज करने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्विन टावर को धराशायी करने के लिए आज ब्लास्ट का टेस्ट किया जाएगा। जी हां, 22 मई को इन ट्विन टावर्स को डायनामाइट से धराशायी किया जाना है, लेकिन उससे पहले आज इमारत में टेस्ट ब्लास्ट किया जाना है। दोपहर लगभग 2:30 बजे ट्रायल ब्लास्ट होगा 15 मिनट के लिए, जिसके लिए सुबह से ही एक्सप्लोसिव ट्विन टावर लाया जाएगा। करीब 2 से 2.5 घंटे में इस डायनामाइट को पिलर में लगाया जाएगा और
ट्रायल ब्लास्ट होगा उसके बाद। बता दें कि सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के 16 नंबर टावर को ब्लास्ट किया जाएगा, इसके आदेश हैं कोर्ट की तरफ से। और इसके लिए 4 घंटे पहले आसपास की सोसाइटी के लोगों को खिड़की बालकनी में न जाने के निर्देश होंगे। और आपको हम ये भी बता दें कि नियमों को ताक पर रख करके बनाए गए सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ढहाने के आदेश दिए हैं, जिसके लिए नोएडा प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। यूपी में आज से शुरू होगा मुख्यमंत्री आरोग्य मेला, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मेला लगेगा। अब हर रविवार को आरोग्य मेले का आयोजन होगा। कोविड-19 के चलते मुख्यमंत्री आरोग्य मेला स्थगित किया गया था और इस मेले में सरकारी अस्पतालों में मरीजों को एक छत के नीचे ही विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ डॉक्टर्स को दिखाने का मौका मिलता है। दवाई भी मुफ्त में दी जाती है और मौके पर जरूरी जांचें भी हो जाती हैं। तो कोरोना के चलते मुख्यमंत्री आरोग्य मेला स्थगित किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसकी शुरुआत हो गई। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से। आज शाम को भगवा यात्रा का आयोजन, रामनवमी पर आज शाम 4 बजे भगवा यात्रा का आयोजन होगा। और देखिए, एकल अभियान की ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भगवा यात्रा के आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल, ये जानकारी है। रामनवमी का मौका और इसी मौके पर आज शाम को 4 बजे का वक्त है जब भगवा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और खबर ये पुख्ता मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शरीक होंगे। और चलिए बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, जिन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती और भाजपा पर बड़ा हमला कर दिया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मायावती ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्होंने मायावती को सीएम बनने का न्योता दिया था, ऑफर दिया था, लेकिन मायावती ने कांग्रेस से बात तक नहीं की। उन्होंने कहा कि काशीराम ने जिन मूल्यों पर बसपा को खड़ा किया, मायावती उन मूल्यों पर नहीं चल पा रही हैं। राहुल गांधी ने साथ ही ये भी कहा कि संस्था के बगैर संविधान का कोई मतलब नहीं है। आम्बेडकर जी ने संविधान बनाकर बड़ा हथियार दिया, लेकिन आज उस हथियार का कोई मतलब नहीं रह गया। Many politicians who are just interested in power, that is the only thing they're searching for. सुबह उठते हैं, कहते भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी है। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई, अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों, अब मैं आप सच्चाई बोल रहा हूं, अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी, ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा, हमने मायावती जी को मैसेज दिया अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। तो बसपा पर राहुल गांधी ने क्या बड़ी बातें कही वो आपने सुन ली है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर भाजपा ने हमला किया है, भाजपा पर भी उन्होंने कटाक्ष किया था। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा है कि कांग्रेस की असलियत सबके सामने आ चुकी है, देश कांग्रेस को नकार चुकी है। परीक्षा का परिणाम आने के बाद जिस प्रकार फेल छात्र तमाम प्रकार के बहाने बनाते हैं, उसी तरह राहुल गांधी को जब जनता की अदालत ने खारिज कर दिया तो ईडी, पेगास, आईटी के बहाने बना रहे हैं, मायावती पर भी निशाने साध रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 400 सीटें जीती हो और मायावती ने 0 जीती हो। राहुल जी,
उत्तर प्रदेश और देश की जनता कांग्रेस और आपकी असलियत जान चुकी है। जनता अब भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाने वाली है, बल्कि देश को उन्नत के मार्ग पर ले जाने वाले और शक्तिशाली और समर्थ भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जिस तरह से माननीय कांशीराम जी निडरता से लड़ते हुए बहुजन समाज को खड़ा किया था, आज उसी तरह से अगर देखें डर के मारे बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से लड़ने की बजाय घुटने टेकते हुए समर्पण कर चुकी हैं। और इस बीच वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट है, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिल्डिंग में आग लगने की घटना वाले मामले में एक्शन लिया गया है। जी हाँ, खबर दिखाए जाने के बाद एक तरफ जहां लापरवाही को लेकर दो बिल्डरों पर केस दर्ज हुआ है, तो वहीं कमिश्नर ने एक हफ्ते में सीएफओ से सभी मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को फायर सिक्योरिटी ऑडिट की रिपोर्ट एक हफ्ते में मांगी है। देखिए बड़ा एक्शन किस तरीके से हुआ। एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया, प्रसारित भी किया, हर एक बारीकी को समझाया और जहां पर भी लापरवाही हुई थी उसको उजागर किया। उसके बाद वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। अपार्टमेंट में आग लगने के मामले में दो बिल्डरों पर एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस कमिश्नर ने सीएफओ से भी रिपोर्ट मांगी है। ये कहा गया है कि जहां पर खामी है उसके बारे में आप बताइए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है शामली से, जहां कैराना में सपा विधायक पर लगातार एक्शन जारी है। खबर यह है कि सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा की अवैध संपत्तियों पर आज फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। दरअसल सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा की अवैध संपत्ति पर लगातार कार्रवाई हो रही है। एक हफ्ते में आज तीसरी बार बुलडोजर चलने वाला है। तो इस हफ्ते में तीसरी बार ऐसा होगा जब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा पर। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आपको बताएं कि आज फिर से कैराना विधायक के चाचा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा और इस हफ्ते में तीसरी बार ऐसा होगा जबकि बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें, रेलवे के काम को लेकर रंगदारी मांगने के मामले में बाराबंकी पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह और उसके कई गुर्गों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बाराबंकी पुलिस ने अभय सिंह के दो गुर्गों विक्रम सिंह और सुरेंद्र कालिया को गिरफ्तार किया है। बाकी गुर्गों की तलाश में लगातार बाराबंकी पुलिस जुटी हुई है। विधायक अभय सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है और गिरफ्तार गुर्गों के कब्जे से एक मोबाइल फोन, डंफर चाबियां और एक चार पहिया वाहन बरामद किया गया है।